हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल पॉइंट में। आज दोस्तों मैं वही मध्यकालीन इतिहास का गुलाम वंश का कुतुबुद्दीन ऐबक का पार्ट लेकर आया हूं। कुतुबुद्दीन ऐबक का पूरा परिचय मैंने एक वीडियो में बना दिया है। कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा जो काम किए गए थे उनके बारे में आपको थोड़ा सा बताना है। आइए शुरू करते हैं। आज हम लोग जानेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा जो काम किए गए हैं, ठीक है। तो देखो, कुतुबुद्दीन ऐबक गद्दी पे कब बैठा था, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ कि 24 जून 1206 ईस्वी को गद्दी पे बैठा था और 1210 ईस्वी में क्या हो गया था, मृत्यु हो गया था। इसके पहले मैंने ये भी बताया था कि 1206 से लेके ये दो ही साल तक, यानी दो वर्ष तक, यानी कि 1208 से लेके 10 तक, यानी दो वर्षों तक ही यह एक राजा के तरह काम करता था। इसके पहले वो गुलाम था किसका, मोहम्मद गौरी का, और उनके सिपा सलार के रूप में वो क्या करता था, काम करता था, ठीक है। तो इसको लाख बक्स के नाम से जाना जाता है। पूछेगा प्रश्न कि लाख बक्स के नाम से दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान माना जाता है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक माना जाता है। इसको हातिम द्वितीय भी कहते हैं, और हातिम द्वितीय जो है मिनहाज ने इसको उपाधि दिया है, इतिहासकार है मिनहाज, उसने इसको नाम दिया क्या, हातिम द्वितीय, ठीक। इसके बाद आते हैं दरबारी कवियों में देखेंगे तो हसन निजामी इनके दरबारी कवि थे, ठीक है। इसके बाद फके मुदब्बिर, ये इनके क्या थे, दो लोग दरबारी थे। तो इनसे भी पूछ देता है कभी कभी क्वेश्चन कि कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबार में रहने वाले कौन से दरबारी थे, तो याद रखिएगा हसन निजामी और फके मुदब्बिर, समझ में आया। इसके बाद देखो अजमेर में इसने 2.5 दिन का झोपड़े का एक निर्माण करवाया। बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी मतलब बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन बार बार पूछा गया है कि 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था, तो 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था, कहाँ पे, अजमेर में। और इसको 2.5 दिन का झोपड़ा क्यों कहा जाता है, क्योंकि यह मस्जिद सिर्फ 2.5 दिन है, यानी कि 2 दिन और आधा दिन में बन के पूरा कंप्लीट हो गया था, इसीलिए इसको नाम दे दिया गया था 2.5 दिन का झोपड़ा। ये बनाया गया था एक संस्कृत विद्यालय को ध्वस्त करके, उसी के मतलब ऊपर बनाया गया था 2.5 दिन का झोपड़ा। इसके बाद देखो इसने एक काम कराया था, दिल्ली में एक बहुत बड़े मस्जिद का निर्माण करवाया था, कुतुब उल इस्लाम मस्जिद, याद रखिएगा कुतुब उल इस्लाम मस्जिद। यह मस्जिद विष्णु मंदिर के स्थान पर कराया गया था, और ये 2.5 दिन का झोपड़ा पूछ देता है, संस्कृत विद्यालय था उसको तोड़ फोड़ के कराया गया, और यहाँ विष्णु मंदिर को क्या किया गया था, स्थान पे इसको बनाया गया था। यहीं पे अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरबार बनवाया है, अलाई दरवाजा का निर्माण करवाया है, यानी मस्जिद है तो मस्जिद के बाद वाले गेट में बहुत बड़ा गेट बनवा दिया अलाउद्दीन खिलजी ने, और उसका नाम रख दिया क्या, अलाई दरवाजा। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अलाई दरवाजा किनके द्वारा निर्माण करवाया गया था, तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा करवाया गया था। लेकिन वह कहाँ पे करवाया गया था, तो वो जो कुतुब उल इस्लाम मस्जिद है दिल्ली में, बहुत बड़ा मस्जिद है, उसका मेन गेट इसने बनवा दिया कि हम भी चर्चा में रहें, ठीक है, जिसको अलाई दरवाजा के नाम से जाना जाता है। उसी दिल्ली में इसने कुतुब मीनार बनवाया, क्या बनवाया, कुतुब मीनार। ये 5 मंजिला इमारत था, ये पहला मंजिला हो गया, फिर थोड़ा सा इसको कम कर दिया, फिर कम कर दिया, फिर कम कर दिया, इस टाइप से 5 महले का एक बनवाया क्या, कुतुब मीनार। किनकी याद में बनवाया था, शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में इसने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया, और वो अभी बनी रहा था तब तक ये मर जाता है, तो उसको पूर्ण करवाया था इसका जो दामाद था इल्तुतमिश, ठीक है। तो पूछेगा कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया, तो कुतुबुद्दीन ऐबक, और संपूर्ण किसने करवाया कार्य, तो इल्तुतमिश, ठीक। तो इल्तुतमिश ने इसको क्या किया था, संपूर्ण करवाया था। इसके बाद इसका एक सेनापति था बख्तियार खिलजी, उस बख्तियार खिलजी ने बिहार में एक नालंदा जगह था, और उस समय बौद्ध धर्म का, बौद्ध धर्म से लेके और इसके कुतुबुद्दीन ऐबक के समय तक
वो बहुत बड़ा शिक्षा का एक केंद्र हुआ करता था, जहाँ से विदेश से लोग आके यहाँ पे अध्ययन और अध्यापन करते थे। उसको जाके पूरा विश्वविद्यालय जो है ध्वस्त कर दिया। किसने? बख्तियार खिलजी ने। यह सेनापति था किसका? कुतुबुद्दीन ऐबक का था। इसके बाद यह लाहौर में 1210 ईस्वी में इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु क्या इसका था? यह खेलते समय, कौन सा खेल खेल रहा था? चौगान या पोलो, दोनों नाम कभी कभी पूछ देता है या एक ही नाम पूछ देता है। तो चौगान और पोलो खेलते समय इसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। और इसको वहीं लाहौर में इसका क्या बनवा दिया गया? मकबरा बनवा दिया गया। ठीक है दोस्तों, तो कुतुबुद्दीन ऐबक से जो भी इंपॉर्टेंट था वो सारा मैं बता चुका हूँ। छोटा छोटा वीडियो ला रहा हूँ ताकि आप बोर ना होइए, एकदम सीरियल से पढ़ा रहा हूँ। आप प्लेलिस्ट खोलेंगे मध्यकालीन इतिहास, वीडियो नंबर यहाँ पे लिखा रहता है थंबनेल पे, 1 2 3 4, बस उसको देखते जाइए सीरियल से, सारा आपको मध्यकालीन इतिहास समझ में आ जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।